तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑटो साइकिल, जिसमें हमने देखा कि ऑटो साइकिल की इफिशियंसी हमने ड्राइव की थी, दैट इज इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 - 1/r^γ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में भी ऑटो साइकिल की तरह चार प्रोसेस होते हैं। क्लोज्ड साइकिल होती है, साइकिल स्टार्ट होती है फ्रॉम द पॉइंट वन। फर्स्ट प्रोसेस होता है 1:2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें पिस्टन मूव करता है फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी और जो एयर उसके अंदर फिल्ड है वो कंप्रेस होती है। उसके बाद में 2:3 प्रोसेस होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कम्पेयर टू द ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में जो 2:3 प्रोसेस था उसमें था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, लेकिन डीजल साइकिल में बस यही थोड़ा सा चेंज होता है कि 2:3 प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब जो हीट एडिशन है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए यही यहाँ पे एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि ऑटो साइकिल में कहता है कि 2 पॉइंट पे पिस्टन वहीं पे थोड़ा सा स्टे करता है क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करना है, और जब तक पूरे का पूरा हीट एडिशन सिस्टम के अंदर नहीं हो जाता तब तक पिस्टन टीडीसी पोजिशन पे रहता है, उसके बाद में एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। लेकिन कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के लिए 2 पॉइंट से पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देता है बीडीसी की तरफ टीडीसी से, और उसी समय पे हीट एडिशन भी होता रहता है। तो हीट एडिशन होने की वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेंशन चूंकि स्टार्ट हो गया पिस्टन टीडीसी से जब बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सपेंशन वहां पे स्टार्ट हो गया, तो एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर डिक्रीज भी होना चाहिए। तो एक तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या होता है कि प्रेशर ना तो इंक्रीज हो पाता है ना ही डिक्रीज हो पाता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है 3 पॉइंट तक। ठीक है, तो जब तक हीट एडिशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन भी हो रहा है तब तक तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। अब 3 पॉइंट पे आके हीट एडिशन बंद हो जाता है, तो 3 पॉइंट को हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन का कट ऑफ हो गया, इसलिए 3 पॉइंट को बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। तो 2:3 प्रोसेस में इस तरह से कॉन्स्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हैं, हीट एडिशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता और एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर डिक्रीज नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम 2:3 प्रोसेस में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं। और उसके बाद कट ऑफ पॉइंट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है 3:4, और उस 3:4 प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर 3:4 प्रोसेस में इसका एक्सपेंशन होता है। 3:4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसमें वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है, और पिस्टन चूंकि टीडीसी से नहीं आ रहा है, टीडीसी से वो पहले ही कट ऑफ पॉइंट तक पहुंच चुका है, तो पिस्टन कट ऑफ पॉइंट से बीडीसी तक मूव करता है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, और पावर आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद होता है 4:1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ही होता है, तो पिस्टन यहाँ पे जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन करने के लिए पिस्टन को बीडीसी पे ही स्टे करना पड़ेगा, और पिस्टन बीडीसी पे ही कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन करते हुए वहीं पे रुका रहेगा बीडीसी पे ही, और वहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाएगा। तो चूंकि हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की बात कर रहे हैं, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल सारी की सारी क्लोज साइकिल होती है, इसलिए डीजल साइकिल भी एक क्लोज साइकिल होगी। चार प्रोसेस है इसमें, वो हमने डिस्कस कर लिए। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, और 4 से 1 फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाएगा। तो चेंज ऑटो साइकिल से अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन आ गया है, और बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो सेम है। कंप्रेशन में वर्क इनपुट होगा और बाकी एक्सपेंशन में वर्क आउटपुट हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम हम पीवी डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्या होगा यहाँ पे, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होना है। देखो पीवी डायग्राम में 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो सबसे पहले टीएस डायग्राम में एंट्रोपी तो कांस्टेंट है 1:2 प्रोसेस में, तो एंट्रोपी कांस्टेंट होने के लिए ये जो लाइन बनेगी वो वर्टिकली हो सकती है, तो पहले एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद 2:3 प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस टीएस डायग्राम पे एक कर्व होता है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस इस 2 पॉइंट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो राइट साइड में भी आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी आता है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ भी आ सकता है और ऊपर की तरफ भी आ सकता है। लेकिन 2:3 प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, हीट एडिशन प्रोसेस है, तो हीट एडिशन में टेम्परेचर तो इंक्रीज होना है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब जो लाइन है 2 पॉइंट से 3 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा कि राइट साइड में जाएगा,
वो डिपेंड करेगा कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हीट एडिट क्या होता है, टी डेल्टा टी डी एस या डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हीट एडिशन क्या होता है, हीट एडिशन को हम कह लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो एस टू माइनस एस वन है, ये फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी है, वो टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और वो टर्म के पॉजिटिव होने के लिए थ्री पॉइंट की एंट्रोपी को टू पॉइंट की एंट्रोपी से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका मतलब साफ है कि एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो टू थ्री प्रोसेस ऊपर की तरफ आएगा और राइट साइड में आएगा, चूंकि एंट्रोपी यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमें टू थ्री प्रोसेस मिल गया। अब थ्री फोर कैसा है, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है थ्री फोर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक अगर हम बनाए थ्री पॉइंट से, तो वो वर्टिकल लाइन तो आएगी लेकिन ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो कैसे पता लगेगा, टेम्परेचर। एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होने की वजह से ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद लास्ट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में फोर पॉइंट से वन पॉइंट को हम मिला देंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को अगर हम टीएस डायग्राम पे कंपेयर करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप कम होता है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो गैप है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस ये फोर पॉइंट से जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो इस वाले रेड लाइन के पैरेलल में नहीं आएगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टीएस डायग्राम इस तरह से। अब यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन होती है, कट ऑफ रेशियो, उसको हम स्मॉल आर सफिक्स स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, आर सी से, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है आर सी से उसको हम डिनोट करते हैं। और ये होता है कट ऑफ वॉल्यूम वी थ्री अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम वी टू, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी थ्री पॉइंट क्या है, कट ऑफ पॉइंट है, तो थ्री पॉइंट का जो वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम पे पिस्टन के पहुंचने के बाद जो हीट एडिशन है या हीट सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, थ्री पॉइंट से डिनोट करते हैं उसको, और उस पॉइंट का वॉल्यूम हो जाता है कट ऑफ वॉल्यूम। तो कट ऑफ रेशियो क्या हो जाता है, कट ऑफ वॉल्यूम वी थ्री अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम वी टू, ठीक है। कट ऑफ वॉल्यूम हमने, कट ऑफ रेशियो हमने यहाँ पे क्यों डिफाइन करा, इसकी जरूरत पड़ती है आगे इफिशियंसी। तो ये है डीजल साइकिल के बारे में। डीजल साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं, क्लोज साइकिल होती है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पहले होता है और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में पहले भी डिस्कस करते हैं कि ये क्लोज साइकिल है, यहाँ पे कोई भी मास का इन और आउट नहीं होगा, यानी कि मास फ्लो नहीं होगा। एक बार हमने सिलेंडर और इस साइकिल के हिसाब से जो भी इंजन होगा उसमें वॉल्व्स नहीं होंगे, एक बार एयर का मास हमने जो भी इसमें फिल कर दिया सिलेंडर के अंदर, वही मास उसमें साइकिल में पार्ट लेगा, ना तो मास इन होगा और ना ही मास उसमें एग्जिट होगा। ये हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अजम्पशंस में भी पढ़ा था, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन से स्टार्ट होता है, तो पहले उसका कंप्रेशन होगा, देन हीट एडिशन, देन एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन, उसी में साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट द डीजल साइकिल। अब आते हैं इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल की इफिशियंसी को कैसे ड्राइव करते हैं, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी बोलते हैं इसको। तो जितनी भी साइकिल्स की इफिशियंसी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो सारी एयर स्टैंडर्ड, क्योंकि साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं तो उन इफिशियंसी को एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी बोलते हैं। तो डीजल साइकिल की इफिशियंसी को, डीजल साइकिल की अलग और भी तरह की इफिशियंसीज होती हैं डीजल इंजन में, जैसे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, लेकिन ये वाली जो इफिशियंसी है इसको हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी डीजल साइकिल की कितनी होगी, डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होगी हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड, ठीक है। हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड ऑटो साइकिल में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर होता है। तो नेट हीट ट्रांसफर कितना है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, और ये नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर भी होगा, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू। तो दोनों तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन इनपुट क्या है, हीट एडेड, ठीक है। तो साइकिल इफिशियंसी परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। अब देखते हैं इसको ड्राइव करते हैं, हीट एडेड यानी कि क्यू इन जो सिस्टम के अंदर एंटर किया वो कितना है, वो कौन से प्रोसेस में किया, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन हुआ, कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हुआ। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू, क्योंकि टू थ्री प्रोसेस में एड हुआ था और हीट एडिट पॉजिटिव होता है,
हीट एडिट पॉजिटिव होगा तो एम सी पी फाइनल टेम्परेचर यानी कि टी थ्री माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी टू, ठीक है। उसके बाद देते हैं माइनस क्यू आउट, क्या है क्यू आउट इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइकिल इन प्रोसेस फोर वन। तो फोर वन कैसा प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा, एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो प्रोसेस क्या है, फोर वन। तो एम सी वी फाइनल टेम्परेचर वन टी वन और इनिशियल टेम्परेचर टी फोर, क्योंकि प्रोसेस फोर वन है, वन फोर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एम सी वी टी वन माइनस टी फोर। लेकिन ये हीट रिजेक्टेड है और हीट रिजेक्टेड कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो जब उस निगेटिव को अंदर टेम्परेचर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई क्यू इन यानी कि हीट सप्लाइड टू द साइकिल एम सी पी टी थ्री माइनस टू। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको अलग अलग कर देंगे तो ये क्या बचेगा, वन माइनस एम सी पी टी फोर माइनस टी वन अपॉन एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू। ठीक है, अब एम से एम तो कैंसिल हो गया। अब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी में हमने देखा था कि सी वी ऊपर था और सी वी नीचे था, क्यों, क्योंकि हीट एडिशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हीट एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में है, इसलिए सी वी और सी पी अलग अलग आएंगे, एम तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सी पी अपॉन सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा। देखो सी पी अपॉन सी वी क्या होता है, गामा, सबको पता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिकेट गामा, सी पी अपॉन सी वी। तो सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, वन अपॉन गामा। तो यहाँ पे एम तो कैंसिल हो जाएगा और सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, वन अपॉन गामा। ठीक है, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, वन माइनस वन अपॉन गामा टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। उसके बाद हमारा टास्क क्या है, हम इंडिविजुअल एक एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहले वन टू प्रोसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, उस वन टू प्रोसेस में हम जो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, वन माइनस वन अपॉन गामा टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। ठीक है, अब ये तो टेम्परेचर की टर्म है, हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहते हैं कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की टर्म। तो हम क्या करेंगे, इन सारे टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर लेंगे कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की टर्म। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि टी वन को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और बाकी टी टू टी थ्री और टी फोर को टी वन की टर्म में और कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। पहला प्रोसेस वन टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू आर टू द पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन। उसके बाद हम जाएंगे टू थ्री प्रोसेस पे। टू थ्री प्रोसेस कैसा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए टी थ्री अपॉन टी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी थ्री अपॉन वी टू। एंड वी थ्री अपॉन वी टू क्या है, कट ऑफ रेशियो, यानी कि टी थ्री अपॉन टी टू इज कट ऑफ रेशियो। तो टी थ्री इज इक्वल टू टी टू इंटू कट ऑफ रेशियो, और टी टू की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, टी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन। ये उसको पुट कर देंगे तो यहाँ से टी थ्री आ जाएगा। वैसे ही जब हम थ्री फोर प्रोसेस को एनालाइज करेंगे तो वहां से टी फोर फाइंड आउट कर लेंगे टी वन की टर्म। अब हमारे पास टी टू टी थ्री और टी फोर सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया टी वन की टर्म में और कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो की टर्म। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टी फोर टी थ्री और टी वन की जो टी फोर टी थ्री और टी टू की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी वन माइनस वन अपॉन गामा। देखो टी फोर की वैल्यू क्या आएगी, टी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन इंटू आर सी, और आर सी की पावर आर सी अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन। माइनस टी वन को ऐसे ही रहने देंगे, टी वन को ऐसे ही लिखा रहने दिया। टी थ्री की वैल्यू आएगी टी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन इंटू आर सी, मैंने अभी बताया भी है। ये जो वैल्यू है वो टी टू की आएगी, टी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाई इसमें आर सी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी थ्री, टी टू की वैल्यू टी वन आर टू द पावर गामा। अब देखो न्यूमरेटर में भी टी वन कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी टी वन कॉमन है, तो टी वन ऊपर से कॉमन आएगा, टी वन नीचे से कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, वन माइनस वन अपॉन गामा। टी वन तो यहाँ से निकल के देखो ऊपर से भी कॉमन आ गया और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा और ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वन माइनस वन अपॉन गामा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आर की पावर गामा माइनस वन ऊपर है और आर की पावर गामा माइनस वन नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, आर सी की पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे आर सी की पावर गामा माइनस वन,
तो मल्टीप्लाई जब होगी इनकी तो पावर ऐड हो जाएंगी, वन में ऐड होगा गामा माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल गामा बचेगा, तो कितना बचा ऊपर आर सी की पावर गामा माइनस, यहां से टी वन था यहाँ पे और टी वन ही कॉमन ले लिया तो कितना बचा वन, ऊपर बचा आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, टी वन तो कॉमन आ गया, नीचे बचा आर टू दी पावर गामा माइनस वन और आर सी, और यहाँ पे क्या बचा आर टू दी पावर गामा माइनस। ठीक है, अब ये आर टू दी पावर गामा माइनस वन डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ सकता है, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस वन आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा आर सी माइनस वन, यहाँ पे क्या बचेगा आर सी और यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, और ये गामा जो था वो तो बाहर चले रहा था। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली, पहली चीज समझने वाली तो ये है कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी में ये जो फर्स्ट टर्म है वन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस वन, ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर है, वन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस वन, ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर है, और इस एफिशिएंसी में हमने मल्टीप्लाई किया है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी को, हमने मल्टीप्लाई किया है आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन आर आर सी माइनस वन से। ठीक है, तो इससे अगर हम इस टर्म को ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी डीजल साइकिल की। सेकेंड थिंग ये है कि जहां पे हमेशा गलती होने के चांसेस रहते हैं, ये वाली जो टर्म है न्यूमरेटर में दैट इज आर सी टू दी पावर गामा एंड होल टू द माइनस वन, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ये रहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन एक साथ ही लिख देते हैं, यानी कि गामा में माइनस वन कर देते हैं बजाय आर सी के, यहाँ पे आर सी के साथ माइनस वन है ना कि गामा के साथ माइनस वन। ठीक है, तो आर सी टू दी पावर गामा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा गया है आर सी टू दी पावर गामा और माइनस वन होगा, और ठीक है तो पावर में माइनस वन नहीं है, ये पूरे आर सी के माइनस होगा, तो डीजल साइकिल की इस ये होती है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी वन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस वन आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा आर सी माइनस वन। ठीक है, तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। उसके बाद हम आते हैं ड्यूल साइकिल, ड्यूल साइकिल में होते हैं पांच प्रोसेस। ठीक है, इसको ड्यूल कंबशन साइकिल बोलते हैं, कंफ्यूजन होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, एक ड्यूल फ्यूल साइकिल होती है, तो ये ड्यूल फ्यूल साइकिल नहीं है, इसलिए अगर हम इसको पूरा नाम हम इसका जनरली, क्योंकि ड्यूल साइकिल बोलने से ना कंफ्यूजन हो जाती है कि ड्यूल कंबशन साइकिल है या फिर ड्यूल फ्यूल साइकिल है, तो ड्यूल फ्यूल साइकिल मतलब जिसमें दो फ्यूल यूज हो रहे हैं, ड्यूल कंबशन साइकिल मतलब जिसमें एक ही फ्यूल का दो बार कंबशन हो, तो ये वाली जो साइकिल है वो ड्यूल कंबशन साइकिल है ना कि ड्यूल फ्यूल साइकिल। ठीक है, इसको लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, ड्यूल कंबशन साइकिल या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल। इसमें पांच प्रोसेस होते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है तो क्लोज साइकिल होगी। ठीक है, पांच प्रोसेस कौन कौन सी होंगे, सबसे पहले वन से टू आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जैसे ऑटो साइकिल में होता है और जैसे डीजल साइकिल में भी होता है, सेम है यहाँ पे, तो वन टू प्रोसेस ऑटो साइकिल में भी, डीजल साइकिल में भी और ड्यूल साइकिल में भी सेम है, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन होने के बाद जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ पे ड्यूल कंबशन साइकिल में दो प्रोसेस में हीट एडिशन होता है, पहला जो हीट एडिशन है वो हीट एडिशन होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि पिस्टन थोड़ी देर टीडीसी पे ही होल्ड करता है और हीट एडिशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा हीट एडिशन नहीं होता, जैसे मैंने बताया इसका नाम है लिमिटेड प्रेशर साइकिल, तो प्रेशर को लिमिटेड करने के लिए एक प्रेशर तक उस प्रोसेस में, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट एडिशन करते हैं, और बाकी का जो हीट एडिशन है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में करते हैं। तो थ्री पॉइंट के बाद पिस्टन टीडीसी से मूव करना स्टार्ट कर देता है और कट ऑफ पॉइंट तक, इसमें फोर पॉइंट कट ऑफ पॉइंट है, तो फोर पॉइंट कट ऑफ पॉइंट तक पहुंचते तक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही हीट एडिशन चलता रहता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में आधा हीट एडिशन होगा और कॉन्स्टेंट प्रेशर में आधा हीट एडिशन होगा, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 50-50% ही, इसलिए हम बोलते हैं कि हीट एडिशन का कुछ पार्ट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में होता है और बाकी का बचा हुआ पार्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो ये दो प्रोसेस में 2-3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में और 3-4 कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है, और उसके बाद कट ऑफ पॉइंट के बाद एक्सपेंशन स्टार्ट होता है 4 पॉइंट से, तो 4-5 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, तो 4-5 एक्सपेंशन प्रोसेस डीजल साइकिल के इक्विवेलेंट है, और उसके बाद में 5-1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1-2
ऑटो साइकिल में, डीजल साइकिल में और डुअल साइकिल में, तीनों में सेम है। और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस 5-1, ये भी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल तीनों में सेम। तो चेंज आता है हीट एडिशन में और एक्सपेंशन में, कहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और हीट एडिशन कौन से प्रोसेस में हो रहा है। तो यही बस चेंज आता है इन तीनों साइकिल्स में, अदरवाइज तीनों साइकिल इक्विवेलेंट। अब आते हैं इसके टीएस डायग्राम में। देखो इसका टीएस डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ चलते हुए हमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों प्रोसेस दिख जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम हमेशा बोलते हैं कि टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा होता है, ये उसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो टीएस डायग्राम में हम देखेंगे 1-2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ये वर्टिकल लाइन हमने बना दी। उसके बाद 2-3 में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हमने बना दिया, ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो राइट साइड में ऊपर की तरफ आएगा। उसके बाद 3-4 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में भी हीट एडिशन हो रहा है, तो ये भी ऊपर की तरफ ही आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि, और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड की तरफ भी आएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन स्लोप इसका कांस्टेंट प्रेशर का वो कांस्टेंट वॉल्यूम से कम होता है, इसलिए जिस स्पेस में, जिस स्लोप में ये चल रहा था, अब स्लोप उसका कम हो जाएगा, चलेगा अभी भी ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ ही, लेकिन उसका जो स्लोप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बाद 4 पॉइंट मिलेगा कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट के बाद 4-5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो वर्टिकल लाइन आएगी, और उसके बाद 5-7 कांस्टेंट वॉल्यूम भी रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द TS डायग्राम ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल एक एकमात्र साइकिल है जिसमें 5 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2-3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3-4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4-5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 5-7 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और इसको ड्यूअल कंबशन साइकिल बोलते हैं या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल। यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो को स्मॉल आर सफिक्स पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर सफिक्स पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में प्रेशर का रेशियो इज प्रेशर रेशियो। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बाद 3 पॉइंट का प्रेशर, इन दोनों का रेशियो होता है प्रेशर रेशियो, जिसको डिनोट करते हैं P3/P2। ठीक है, 3 पॉइंट का प्रेशर और 2 पॉइंट का प्रेशर, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं प्रेशर रेशियो, P3/P2। उसके बाद देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल के लिए प्रेशर रेशियो हमने अभी डिफाइन किया है P3/P2। अब हम क्या करेंगे, तो इसकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होगी, डब्ल्यू साइकिल अपॉन क्यू इन। डब्ल्यू साइकिल को क्या लिख सकते हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन डब्ल्यू इन। मैंने बताया डब्ल्यू साइकिल को डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन अपॉन क्यू इन भी लिख सकते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1-Q out/Q in। अब क्यू आउट क्या है, हीट रिजेक्टेड निगेटिव है, तो क्या हो जाएगी, 5-1 प्रोसेस में है, तो क्या हो जाएगी, MCV फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन हीट रिजेक्टेड है निगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बचेगा CV, M को हमने कैंसिल आउट कर दिया, CV T5-T1। और हीट एडिशन जो है वो 2 प्रोसेस में है, तो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, पहला कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, तो CV T3-T2 2-3 प्रोसेस में है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हीट एडिड है तो पॉजिटिव रहेगा, CV T3-T2 प्लस CP T4-T3 3-4 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो क्या बना हो जाएगा, CP T4-T3। अब इसकी एफिशिएंसी को, ये टेम्परेचर की टर्म में एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली, इस एफिशिएंसी को हम कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और प्रेशर रेशियो की टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं। इस एफिशिएंसी को हम प्रेशर रेशियो, कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही सेम स्टेप हम इसमें फॉलो करेंगे जो हमने डीजल साइकिल में फॉलो किया। 1 by 1 एक एक प्रोसेस को एनालाइज करेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू को कट ऑफ रेशियो, प्रेशर रेशियो और कंप्रेशन रेशियो की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, हम क्या करेंगे, बाकी के जो टेम्परेचर हैं T2, T3, T4 एंड T5, ये सारे टेम्परेचर को T1 की टर्म में एंड कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो और कट ऑफ रेशियो की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर से T1 को बनाएगा, न्यूमरेटर से T1 को बनाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी की जो एक्सप्रेशन बचेगी वो ये होगी इस तरह से। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल क्या होगी, 1-1/R^(γ-1), इसको बाहर अलग से रखते हैं, अंदर में आ जाएगा आरपी
आर सी टू द पावर गामा माइनस वन, होल टू द माइनस वन है, गामा में माइनस वन नहीं है, माइनस वन अपॉन आर पी माइनस वन प्लस गामा आर पी आर सी माइनस वन। तो ये एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आती है ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो ड्यूल साइकिल में दोनों प्रोसेस हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी और कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब हम अगर बात करें कि ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है थ्री फोर प्रोसेस में, मान लीजिए कि ये हुआ ही नहीं, सारे का सारा हीट एडिशन इसी क्यू एस प्रोसेस में हो गया, इसका मतलब फोर पॉइंट को हमने थ्री पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दिया, थ्री पॉइंट को फोर पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दिया। थ्री पॉइंट को फोर पॉइंट के साथ कोइंसाइड करने का मतलब हुआ कि जो कट ऑफ रेशियो है वी फोर अपॉन वी थ्री वो वन हो गया। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, क्योंकि फोर पॉइंट का वॉल्यूम और थ्री पॉइंट का वॉल्यूम सेम कर दिया। ठीक है, तो कट ऑफ रेशियो आर सी की वैल्यू अगर हम वन कर देते हैं तो देखिए मैथमेटिकली यहाँ पे ग्राफिकली तो हमें दिख ही रहा है कि वो ऑटो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम उसको देखें आर सी की वैल्यू को वन पुट करते हैं तो देखिए न्यूमरेटर में आर सी की वैल्यू को अगर हम वन पुट करेंगे तो वन की पावर गामा यानी कि कुछ नहीं वन बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा आर पी माइनस वन, नीचे क्या बचेगा आर पी माइनस वन प्लस गामा आर पी, आर सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे वन, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर में जो ये सेकेंड टर्म है ये पूरी की पूरी हो जाएगी जीरो। तो डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पे आर पी माइनस वन और न्यूमरेटर में बचेगा आर पी माइनस वन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितनी बचेगी थर्मल एफिशिएंसी, वन माइनस वन अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो अगर फोर पॉइंट और थ्री पॉइंट को हम कोइंसाइड कर देते हैं, आर सी कट ऑफ रेशियो की वैल्यू को वन कर देते हैं, तो ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी ये जो साइकिल है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटो साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डीजल साइकिल। अगर हम टू पॉइंट और थ्री पॉइंट को कॉइंसाइड कर देते हैं, टू पॉइंट और थ्री पॉइंट को कॉइंसाइड करने का क्या मतलब है कि टू पॉइंट का प्रेशर और थ्री पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाए, तो अगर टू पॉइंट का प्रेशर और थ्री पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो आर पी की वैल्यू प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, यानी कि पी थ्री अपॉन पी टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। अब आर पी की वैल्यू को वन पुट करके देखते हैं, आर पी की वैल्यू को अगर हम वन पुट करेंगे तो आर पी की वैल्यू वन हो गई, तो न्यूमरेटर में क्या बचा आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन, डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में आर पी की जगह वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो गया, प्लस गामा आर पी की जगह वन पुट कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा गामा आर सी माइनस वन और ऊपर क्या बचेगा आर सी टू दी पावर गामा माइनस वन। तो कौन सी किस कौन साइकिल की एफिशिएंसी बन जाएगी है, डीजल साइकिल। इसका मतलब अगर हम आर पी की वैल्यू को वन कर देंगे, प्रेशर रेशियो की वैल्यू को वन कर देंगे, ठीक है, प्रेशर रेशियो की वैल्यू को वन कर देंगे तो ये साइकिल कन्वर्ट हो जाएगी डीजल साइकिल में, और कट ऑफ रेशियो की वैल्यू को वन कर देंगे तो ये साइकिल कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ऑटो साइकिल। तो दीज आर थ्री एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल कंबशन और लिमिटेड प्रेशर साइकिल, जिसमें जो कि एकमात्र साइकिल है जिसमें फाइव प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, जैसे कि कार्नोट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, लेन्योर साइकिल एंड एटकिंसन।